डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 13 जनवरी है, तो चलिए 13 जनवरी में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर एक नज़र डालें। साथ ही साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसकी पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उसे आप जरूर डाउनलोड करें। और जो यूनिक ऐप है, सुपर ऐप है, उसके लिंक को भी दिया गया है। आप जिन्होंने अभी तक उसे इंस्टॉल नहीं किया है उसे इंस्टॉल करें, और जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि उसे अपडेट जरूर करें, क्योंकि स्टडी प्लान करके एक नया, उसमें बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, उसे ज़रूर देखें, उससे लाभ ज़रूर उठाएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 2019 में गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती किस दिन मनाई जाएगी? तो देखिए, इसका उत्तर है 14 जनवरी। लेकिन 14 जनवरी को क्यों? तो आप जानिए कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10वें गुरु थे, वो खालसा पंथ की स्थापना की थी इस दिन। तो इसलिए 14 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में 14 जनवरी को मनाई जाती है, जबकि उनका जन्म 14 जनवरी को नहीं हुआ था। बहुत लोगों को यही एक ये रहता है कि चूंकि जयंती मनाई जा रही है तो शायद उनके जन्मदिन पर मनाई जाती है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जनवरी माह में किस दिन हुआ था? चूंकि मैंने अभी इसका डिस्कस किया, तो उनका जन्म जो हुआ था वो 5 जनवरी को हुआ था। 5 जनवरी 1666 में हुआ था, और वो सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत वो 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने हुए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किनके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की तिथि पर मनाया जाता है। और इससे ही जुड़े हुए एक सवाल को मैंने रखा है, उस पर जरूर आप ध्यान देंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में कायस्थ परिवार में हुआ था, और भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने के संचालन समिति ने नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ये एयरपोर्ट बना, ये नया एयरपोर्ट बनेगा वहां, और उसके लिए 10 अरब 43 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मध्य एशिया संवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा उज्बेकिस्तान के अब्दुल अजीज कमिलोफ सह अध्यक्षता करेंगे, यह आज के खबर में है। लेकिन वो उज्बेकिस्तान के क्या है? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कानूनी मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं? जी हां, आपने एकदम सही पहचाना है, वो विदेश मंत्री हैं। तो अब्दुल अजीज कमिलोफ जो है वो उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अब आते हैं मध्य एशिया संवाद में आयोजित सत्र में, मतलब इसी साल, आप जानते हैं सुषमा स्वराज निकल चुकी हैं 2 दिन के यात्रा पर उज्बेकिस्तान। तो किस देश के विदेश मंत्री को विशेष रूप से मध्य एशिया संवाद में आमंत्रित किया गया है? तो जी हाँ, वो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, अफगानिस्तान के बदलते हुए सिचुएशन के लिए उन्हें विशेष रूप से इस मध्य एशिया संवाद में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब आप जानते ही हैं, आज से 6 दिन पहले मैंने इसकी आलोचना भी किया था, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की बिल अब कानून बन गया है। जी हाँ, आज ही कानून बना है, क्योंकि आज ही राष्ट्रपति ने इस पे साइन किया हुआ है।
आज मतलब 12 तारीख को, और इसका लाभ सामान्य वर्ग के केवल उन परिवार को मिलेगा जिनका वार्षिक आय कितने रुपए से कम है, तो है 8 लाख रुपए से कम है। अब एक अजीब सी बात हुई, सारे विरोधी दल, चूंकि इलेक्शन आ रहा था, किसी ने इस पे बहुत ज्यादा एतराज नहीं जताया, तो ये लोकसभा से पास हुआ। मेरे को नहीं लगा था कि राज्यसभा से पास होगा, लेकिन कांग्रेस और ये कोई अपना उंगली नहीं जलाना, हाथ नहीं जलाना चाहता था, जिसके चलते उन्होंने भी पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को तो पास करना ही था, उन्होंने भी पास कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी अब जो हालत देख रहे हैं वो भी नहीं रुकेगा। तो अब लेकिन एक सवाल उठता है मेरे, अब मैं अपने सामान्य ज्ञान से खुद से पूछता हूं कि कौन से मिडिल क्लास फैमिली है जिसे हम मिडिल क्लास समझते हैं, जहां जिस वर्ग में नौकरी के लिए मारामारी होता है, उनका महीने का इनकम जो है 65,000 से ऊपर है, 67,000, 68,000, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो फिर अब क्या कोशिश हो गया? तो मतलब हम अगर आर्थिक रूप से कमजोर में 67,000, 68,000 ऊपर मासिक आय जिनका है, उन्हें भी हम आर्थिक रूप से कमजोर मान लेते हैं, क्या मजाक है? और हम क्या कर रहे हैं, उनमें से 10% को आरक्षण बिल, तो मतलब है कि हम एक बोतल में 10 लीटर के बोतल में हम बोल रहे हैं 40 लीटर पानी को कि आजा घुस जाए इसके अंदर में। 10 लीटर का बोतल है, 40 लीटर पानी है, और 40 लीटर को मैं बोल रहा हूं आजा भैया इस बोतल के अंदर घुस जा, कहानी अब ये बनी हुई है। तो मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि इस 10% के आरक्षण के अंदर में कट ऑफ जो ऊपर उठेगा, कोई इसके अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो मतलब एक अजीब सा तमाशा है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और आज सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो अभी जो आरआरबी जेई का है, अब इसमें यह लागू हो जाएगा। अब जरा इसके, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जा रहा है, तो नेचुरल इसके अलग अलग मुद्दों को भी देख लेते हैं सवाल के माध्यम से। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण लाभ उसी परिवार के कैंडिडेट को मिलेगा जिसके पास, अगर वो कृषि जो मतलब खेत की भूमि है, तो कृषि जो के भूमि जो है उसे 5 एकड़ से, उसके परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की एक क्या कहते हैं, परिचय के रूप में रखा गया है। और दूसरा है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में लाभ उसी परिवार के कैंडिडेट को मिलेगा जिस आवेदक या उसके परिवार के पास 1,000 square feet से बड़ा घर नहीं है। अब भैया पुरानी अगर मकान है तब तो चलो, तो भी 1,000 square feet मिलना मुश्किल है। शहर में जो मिडिल क्लास अच्छे तबके के होते हैं, उनके पास ही 1,000 square feet से ज्यादा के होते हैं, नहीं तो कम के होते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारी, अभी तो लॉ का पूरा आया नहीं है, आने के बाद पता चलेगा कि इसको लेके कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, क्योंकि आप एग्जाम में आपको तब फिर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि 3 कंडीशन है। इस 3 कंडीशंस आपके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है, किसी को तो उसे बताना पड़ेगा ना, हर एग्जाम के इसकी तो वो नहीं हो सकता है ना, कि अब रेलवे बोर्ड बैठ के तो इसकी छानबीन कर नहीं करेगा ना, तो नेचुरली क्या होगा इसके ऊपर, जब तक अब पूरा नियम आता नहीं है हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसे कैसे लागू हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1.5 करोड़। लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम जो है जीएसटी के अंदर में क्या चीज है उसे जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, जीएसटी में हर महीने 3 रिटर्न भरना पड़ता है, GST 1, GST 2, GST 3। जो कंपोजिट स्कीम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उन्हें 3 महीने में केवल 1 फॉर्म भरना पड़ता है जिसको GSTR 4 बोलते हैं। तो इसे याद रखना, यह भी एक सवाल के रूप में आ सकता है, ये GSTR 4 है और उन्हें हर महीने नहीं 3 महीने में टैक्स भरना पड़ता है और उनका टैक्स की जो ये रेट है वो फिक्स्ड रेट में चलता है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं उन्हें GSTR 4 भरना पड़ता है, 3 महीने में 1 बार भरना पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। अब कल का सवाल है, क्या बोलूं आप लोगों ने, मतलब 99.9% ने सही किया है। तो अच्छा लगता है कि जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं सीरियसनेस तो पूरा है। इसके लिए आप सभी को मेरा मतलब कोटि कोटि धन्यवाद मैं बोलूंगा। साथ ही साथ आज का सवाल पर जरा नजर डालते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की परंपरा हमारे देश में कब से शुरू हुआ है? ये तो हम अभी समझ जाने कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, लेकिन ये मनाने की परंपरा जो है कब से शुरू हुआ है? आशा करते हैं हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोग सही जवाब देंगे। और आज का यही समाप्त करते करते मैं एक बात आप लोगों से बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल करें, और जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया है वो अपडेट करें, क्योंकि स्टडी प्लान करके आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ साथ स्टडी मटेरियल सब कुछ कल जैसे मैंने बोला था अब अवेलेबल होने लगा है। साथ ही साथ मैंने जो कल बोला था कि हर 7 दिन के बाद टेस्ट की बात होगी, तो कल से वो टेस्ट शुरू हो जाएगा, आपके इस ऐप के अंदर ही मिलेगा। ओके देन, आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, जय हिंद।